केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रहने के बाद आज किसान दिल्ली मार्च शुरू करेंगे। मार्च को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील कर दी गई है। सड़कों पर कीले और बैरिगेट्स लगा दिए गए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने किसान मार्च के कारण व्यापक पैमाने पर तनाव और सामाजिक अशांति पैदा होने की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के लिए आईपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए हरियाणा की सीमा से लगती ग्रामीण सड़कों को भी सील कर दिया है। दिल्ली में जारी एक परामर्श के अनुसार मंगलवार से सभी प्रकार के वाहनों पर पाबंदियां लागू होगी। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 5,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है, जबकि सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए क्रेन और अन्य भारी वाहनों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए कई सुरक्षा अवरोधक लगाए गए हैं। सड़कों पर कंटीले अवरोधक बिछाए गए हैं ताकि अगर प्रदर्शनकारी वाहनों पर सवार होकर शहर में प्रवेश करने की कोशिश करें तो उनके वाहनों के टायर पंक्चर हो जाए। हरियाणा सरकार ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 15 जिलों में प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन जिलों में 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन करने या ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मार्च निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर है। हमें नहीं लगता कि वे हमारी मांगों को पूरा करना चाहते हैं।